चलिए, स्वागत है सभी का ए टू जेड क्लासेस चपला के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा लेक्चर इसका देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए टाइटल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। चलिए अब ध्यान से समझेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण के लिए आपने बेस क्या लिया है। आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा लिखे कम और ज्यादा समझे। तो देखिए, यहां पर हम बेस लिए हैं। अगर आधार देखा जाए कि किस आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो ठोसों में उपस्थित बल होता है, ठोसों में उपस्थित कौन सा बल है, ठोसों में उपस्थित ये उपस्थित है प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। इसी के बेस पर आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण रहेगा, जिसमें हम लोग चार प्रकार के ठोसों का स्टडी करेंगे। पहला आपका आएगा आयनिक ठोस, दूसरा आएगा आण्विक ठोस, आण्विक ठोस का भी क्लासिफाई करेंगे हम लोग तीन प्रकार से, उसके बाद धात्विक ठोस पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले जैक 2021 के एग्जाम में इससे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसलिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला ठोस की। पहला ठोस है आपका आयनिक ठोस, एक एक करके समझते चलेंगे। आयनिक सॉलिड। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ठोसों का जो निर्माण होता है वो अवयवी कणों से होता है। ठोसों का निर्माण किससे होता है, अवयवी कणों से होता है। और अवयवी कण किसको कहा जाता है, अणु परमाणु और आयन को कहा जाता है। तो अवयवी कण आपने सीख लिया अणु परमाणु और आयन, ठीक है। अब देखिए, ये जो आयन अवयवी कण है इसका है आयनिक ठोस का। थोड़ा सा नाम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आयनिक ठोस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आयनिक अगर दो तीन बार आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको नाम स्पष्ट हो जाएगा कि इसका अवयवी कण क्या होगा। तो पहला अगर पॉइंट इसमें देखें तो अवयवी कण इसका होगा आयनिक आयन। अब ध्यान दीजिए, अब ऐसे भी आप डिफिनेशन को बना सकते हैं कि वे ठोस जिनका अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। अच्छा, इन आयनों के बीच कौन सा बंध काम करता है, यहां पर कौन सा बंध काम करता है, तो यहां पर बंध काम करता है आयनिक बंधन, ठीक है। अब आयनिक बंधन को आप समझ लें कि ये सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन पढ़े थे, सहसंयोजक बंधन पढ़े थे और उप सहसंयोजक बंधन आप पिछले कक्षा में आप पढ़े होंगे। आयनिक बंधन मतलब ये हुआ कि वैद्युत संयोजक बंधन भी इसको कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिसएडवांटेज या एडवांटेज होता है। जब शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लाभ और हानि से जो बंधन बनता है उसी को आयनिक बंधन कहा जाता है। तो इसमें बंधन हो गया आयनिक बंधन, और जिसका अवयवी कण आयन होंगे वो क्या कहलाएगा, आयनिक ठोस कहलाएगा। देखिए, एनसीईआरटी में पहला आयनिक ठोस ही है जिसमें आयनिक के लिए एक और पॉइंट दे रहा है कि ये विद्युत का, अब अगर इसकी चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में, ध्यान से देखेंगे, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि गलित अवस्था में एक विद्युत का चालन करता है। अब ऐसा क्यों? अच्छा, यहां पर एक एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का फॉलोअर है और एनसीईआरटी यदि आप बनाते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन भी है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, ऐसा क्यों? अच्छा, तो मैं आपको विद्युत का चालन के लिए कंडीशन बता रहा हूं कि विद्युत का चालन के लिए क्या क्या जरूरी है।
तो विद्युत के चालन के लिए जरूरी है मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन, मुक्त आयन। तो चूंकि ठोस अवस्था में ठोस जो होते हैं काफी नजदीक होते हैं, ये आपको पता है, क्लोजली पैक होते हैं, ये तो आपको पता ही है, अब ध्यान देंगे। लेकिन जैसे ही ये गलित अवस्था में जाते हैं ये टूट जाते हैं और टूटकर आयन में मुक्त हो जाते हैं। तो आयन में जब मुक्त होंगे तो विद्युत का चालन होगा। तो कहा जाता है कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं जबकि गलित अवस्था में करते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमको मुक्त आयन मिल गया, जैसे कि Na प्लस Cl माइनस, अगर इसको गलित अवस्था में जाएंगे तो इसमें विद्युत का चालन होगा लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल KCl CaO etc। बस अच्छा, अगर मैं इस टॉपिक को ज्यादा एनालिसिस करूंगा तो समय भी बहुत कम है, इसलिए क्रैश कोर्स जैसा आपको समझना है कि आयनिक ठोस होता क्या है। तो जिसका अवयविकरण आयन होंगे आयनिक ठोस कहलाएगा। अच्छा, आयनिक ठोस में किस प्रकार का बंधन काम करता है? तो आयनिक बंधन काम करता है या वैद्युत संयोजक बंधन काम करता है। अच्छा, ये आयनिक ठोस जो होते हैं वो विद्युत का चालन ठोस अवस्था में नहीं करते हैं जबकि गलित अवस्था में करते हैं। इसका कारण है कि मुक्त आयन हमें मिल जाता है गलित अवस्था में और ठोस में तो मिलता नहीं है क्योंकि ठोस कठोर होता है। अच्छा, एग्जांपल की अगर बात करें तो NaCl या KCl, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें NaCl का, तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अच्छा, ये ठोस जो है कहता है कि भंगुर होता है, तो भंगुर का मतलब क्या होता है? जिसके आप आकृति को नहीं बदल सकते हैं, जिसके आकृति को आप नहीं बदल सकते हैं, वो टूट जाएगा लेकिन आकृति उसका चेंज नहीं होगा, तो ये ठोस भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। आइए दूसरा ठोस की बात करते हैं। दूसरा ठोस हमारा है आण्विक ठोस। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। आइए दूसरा ठोस की बात करते हैं, आण्विक ठोस। आण्विक ठोस मोलिकुलर फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले इसके अवयविकरण की बात कर लेते हैं। अवयविकरण, तो इसका अवयविकरण क्या होगा? नाम से भी स्पष्ट है, अणु होगा, मोलिकुल्स। ठीक है, अवयविकण वे ठोस जिसका अवयविकण क्या होंगे? अणु होंगे। जिसका अवयविकण अणु होंगे इसे क्या कहेंगे? आण्विक ठोस कहेंगे। अब देखिए आण्विक ठोस का एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे कि Cl2 भी है, I2 भी है, H2O भी है, CO2 भी है और NH3 भी है। अब इतना एग्जांपल को आप आण्विक ठोस के अंतर्गत को याद कर सकते हैं, लेकिन जब इसका क्लासिफाइड से क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में आया हुआ है, हाइड्रोजन अवबंधित आण्विक ठोस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर आपको इसके टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा और टाइप्स में देखना पड़ेगा कि उसका अवयविकरण क्या है और उनके मध्य कौन सा बंधन काम कर रहा है, इस चीज को आपको देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आण्विक ठोस का टाइप। अच्छा, आण्विक ठोस का डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप नॉर्मल वे में बता सकते हैं डिफिनेशन, कि जिसका अवयविकरण अणु होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आण्विक ठोस। जैसे Cl2, I2, H2O, CO2, NH3, या आप यूरिया भी दे सकते हैं, NCERT इंडेक्स क्वेश्चन में लगा हुआ है क्वेश्चन यूरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आण्विक ठोस का प्रकार। देखिए अगर आपको बना बनाया नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अध्रुवीय आण्विक ठोस। मैं तीनों लिख देता हूं पहले, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा है ध्रुवीय आण्विक ठोस, पोलर मोलिकुलर और तीसरा है हाइड्रोजन अवबंधित
आणविक ठोस। इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो आइए बारी बारी से बात कर लेते हैं कि अध्रुवीय आण्विक ठोस क्या होते हैं, ध्रुवीय आण्विक ठोस क्या होते हैं और हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस क्या होते हैं। इसी से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के श्रेणी में हम रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिजिक्स का मेरा वीडियो देखे हैं सेकेंड लेसन का, तो उसमें हमने बताया था कि पोलर और नॉन पोलर मोलिकुल्स होते क्या है। पोलर का मैं मतलब बताया था, ध्यान दीजिएगा, पोलर का मतलब मैं बताया था कि जिसमें पोल बन जाए, जिसमें पोल बन जाए। अच्छा, नॉन पोलर का मतलब हमने बताया था, नॉन पोलर का मतलब बताया था कि जिसमें पोल का निर्माण न हो, जिसमें पोल का निर्माण न हो। नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि वे, अच्छा इससे पहले आपको ये टॉपिक कहां मिला होगा, तो ये टॉपिक फर्स्ट ईयर मिला होगा जहां पर हमने सहसंयोजक बंधन पढ़ा था। तो सहसंयोजक बंधन का वेरिएशन हमने देखा था, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो अध्रुवीय अणु जो होते हैं, अध्रुवीय अणु, देखिए अगर इसका अवयवीकरण की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं कि ये रिकॉर्डेड हो रहा है कि नहीं, अच्छा साउंड आ रहा है कि नहीं, एक मिनट वेट। चलिए, तभी हम आपको बता रहे थे कि अध्रुवी आण्विक ठोस क्या होते हैं, ध्रुवी आण्विक ठोस क्या होते हैं और हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका अवयवी कण क्या होगा, अवयवी कण, तो अवयवी कण मतलब जिससे ठोस का निर्माण होता है। तो ऑफकोर्स अध्रुवी की बात कर रहे हैं, तो यहां से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि अध्रुवी अणु, अध्रुवी अणु, अध्रुवी अणु मिलकर किस ठोस का निर्माण करेंगे, अध्रुवी आण्विक ठोस का निर्माण करेंगे। अच्छा, ध्रुवी अणु की अगर बात करें अवयवी कण का, अवयवी, देखिए मैं एक ही साथ एक ही स्लॉट में तीनों समझा रहा हूं। अब अगर इसके अवयवी कण की अगर बात करें, तो इसके अवयवी कण होंगे आपका ध्रुवी, ध्रुवी अणु। अच्छा, अगर मैं इसकी अवयवी कण की बात करूं, अगर इसकी अवयवी कण की बात करूं, तो इसका नाम से भी स्पष्ट है, हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सबसे पहले एक आवश्यक शर्त है, ये समझ लें, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। तो अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड AB है, हाइड्रोजन बॉन्ड AB है, तो सबसे पहले तो एक टर्म होना चाहिए कि AB में एक तो होना चाहिए आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन नेसेसरी होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से होगा। तो सबसे पहला तो ये नेसेसरी पॉइंट है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि बी, और बी होना चाहिए हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट। तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तब जाकर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि परमाणु संख्या 10 से जो कम होगा, लेस देन 10, मतलब 10 से अगर कम होगा एटॉमिक नंबर जिसका, वो आपका हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के श्रेणी में आता है। जैसे तो आप यहां याद कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन को रखिए, ऑक्सीजन को रखिए, नाइट्रोजन को रखिए, अगर ये आपका हाइड्रोजन के साथ मिल जाए, अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, ए यहां पर अगर अवयवी कण की बात करें कि हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस का अवयवी कण क्या होगा, तो इसका अवयवी कण होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड बनाने वाले अणु, बनाने वाले अणु। चलिए अब इसकी बात करते हैं अध्रुवी आण्विक ठोस का कि अध्रुवी, अच्छा मैं एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, अध्रुवी अणु और ध्रुवी अणु को थोड़ा सा चर्चा कर दूं। अध्रुवी अणु, ध्यान दीजिएगा, अध्रुवी अणु और ध्रुवी अणु। तो सबसे पहले मैं ध्रुवी अणु के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ध्रुवी अणु, देखिए ध्रुवी अणु जहां से पोल का निर्माण हो जाए, जहां से पोल मतलब ध्रुवी मतलब पोलर, जहां से पोल का निर्माण हो, तो ध्यान दीजिएगा अगर HCl की बात करूं, HCl की बात करूं, तो देखिए H के पास तो एक है और इसके पास कितना है, दो दो चार, दो छ और एक सात है, तो यहां से देगा, तो यहां से प्लस और ये ले लिया तो माइनस। देखिए
बीच में एक पोल बन गया, बीच में एक पोल बन गया, यहां से पोल बन गया, तो हम लोग बोलते हैं कि इस प्रकार के जो अणु होते हैं वे पोलर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पोलर। देखिए H2O भी पोलर है, ध्यान दीजिएगा, H2O भी पोलर है, लेकिन चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए H2O जो है हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें कि आप भाई नंबर ऑफ बताइए, लिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, तो H2O को हम पहला श्रेणी रखेंगे, क्योंकि इसमें भी पोल बनता है। अच्छा, जिसमें पोल नहीं बनता है ये भी आप जानिए। तो जैसे मान लीजिए Cl और Cl की बात करें, तो यहां एक एक, अब देखिए दो दो चार दो छह दो छह दो दो चार दो छह, तो ये आपका नहीं बना यहां पर पोल, यहां पर कोई पोल ही नहीं बन रहा है, यहां पर कोई पोल नहीं बन रहा है। अगर दूसरे वे में हम बात करें कि अगर मतलब पोलर और नॉन पोलर को दूसरे तरीका से हमको समझना है, तो आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यदि समान रूप से हो, देखिए ऑल अलग हुआ है ना, विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज करता है कि ऑल लग गया मतलब उल्टा, लेकिन यहां पर भी उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि और अगर लग गया तो समान याद रखिए, अगर और मतलब यहां ध्रुवी और नहीं लगा हुआ है तो यहां असमान होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यदि समान रूप से हो तो उसे अध्रुवी, अगर असमान रूप से हो तो ध्रुवी। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि अध्रुवी आण्विक ठोस, तो अध्रुवी आण्विक ठोस वैसे ठोस को कहा जाता है जिसका अवयवीकरण अध्रुवी अणु होते हैं, जैसे Cl2, I2, F2, देखिए सब में इलेक्ट्रॉन जो है एक समान शेयरिंग होगा और इसमें किसी प्रकार का पोल का निर्माण नहीं होता है। और उसके बाद मैं बात करूं तो CCl4 ETC, ये चार एग्जांपल आप याद रखें, सफिशियंट होगा। तो अध्रुवी आण्विक ठोस को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वे ठोस जिसका अवयवीकरण अध्रुवी अणु होते हैं वे ठोस को हम लोग क्या कहेंगे, अध्रुवी आण्विक ठोस, जैसे Cl2, I2, F2, CCl4, ETC। अच्छा, अगर मैं इसके बाद बात करूं कि इन दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन काम करता है, कौन सा बल काम करता है, तो यहां पर बल काम करता है वांडर वाल्स बल। अच्छा, एक ऐसा बल है, तो एक कमजोर प्रकृति के बल है। देखिए अगर मैं प्रबल की बात करूं, अगर प्रबल बल की अगर बात करूं, तो प्रबल बल में आप एग्जांपल दे सकते हैं अंतरा आण्विक आकर्षण बल। और यदि वहां पर आप दुर्बल शब्द का इस्तेमाल कर देंगे कि दुर्बल अंतरा आण्विक आकर्षण बल, तो उसके बदला में आप यूज कर सकते हैं वांडरवाल्स बल, एक कमजोर प्रकृति का होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कमजोर प्रकृति। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए, अध्रुवी आण्विक ठोस को अच्छा से समझ लीजिए, वैसा ठोस जिसके अवयवीकरण अध्रुवी अणु होते हैं अध्रुवी आण्विक ठोस कहलाते हैं, जैसे Cl2, I2, F2, CCl4, ETC। वांडरवाल्स बल इसमें काम करता है, कार्य करता है। रेडी? चलिए, अब मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा एडिट करता हूं। देखिए, अब मैं बात करता हूं ध्रुवी आण्विक ठोस का। तो ध्रुवी आण्विक ठोस में इसका अवयवी कण आपका है क्या? ध्रुवी अणु। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद SO2 ले सकते हैं या CO2 ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो, हाँ, अगर इसमें बल की बात करें तो इसमें लगता है द्विध्रुव आकर्षण बल। तो अगर यहां आपसे पूछे कि कौन सा इसमें फोर्स काम करता है, तो इसमें काम करता है द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। यहां पर तो हाइड्रोजन आबंधित बहुत तगड़ा होता है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछे, अभी मैं आगे चलकर नोट करके पॉइंट लिखवा दूंगा। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूं कि ध्रुवी आण्विक ठोस, इसमें पोल का निर्माण हो रहा है, तो पोल का जिसमें निर्माण हो जाए उसे ध्रुवी अणु कहते हैं, और ध्रुवी अणुओं से मिलकर जो ठोस का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवी आण्विक ठोस। और ध्रुवी आण्विक ठोस का एग्जांपल है HCl, SO2 और CO2। और इसमें अगर बल की बात करें तो द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है।
अब बात करते हैं हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस का। तो हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस का अवयवीकरण क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाएगा अणु? देखिए ध्यान से, एक बना सकता है, ओ बना सकता है और एन बना सकता है। तो सभी के साथ अगर एच आ जाए, देखिए ध्यान से, एच टू आ गया और यहां पर एच एन, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका गलनांक सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा गलनांक होगा, अगर मैं एक ही बात करूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही अगर बात करूं, अच्छा एक मिनट मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूं हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस का। किसका अवयवीकरण? एच बॉन्ड बनाने वाले अणु, मैं एच बॉन्ड भी बता दिया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है HF है, H2O है, NH3। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं कि किसका ज्यादा होगा, A का ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा कि C का ज्यादा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि A का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा B और C से। ठीक है, एक मिनट, C का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा C, उसके बाद B और C। चलिए, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, यहां पर कर रहा है द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल काम कर रहा है, और यहां पर वांडरवाल्स बल कार्य कर रहा है। तो अगर आपसे कोई गलनांक पूछ दे, अगर आपसे कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछ दे कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, तब मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस का, उसके बाद होगा ध्रुवीय आण्विक ठोस का, ध्रुवीय आण्विक ठोस का, और उसके बाद होगा आपका अध्रुवीय आण्विक ठोस का। एक बार और रिपीट मैं करा दे रहा हूं ओवरव्यू, कि आण्विक ठोस किसे कहेंगे? जिसका अवयवीकरण अणु होगा। और आण्विक ठोस को तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला अध्रुवीय आण्विक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आण्विक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस। अच्छा, ध्रुवीय आण्विक ठोस किसको कहेंगे? अध्रुवीय और हाइड्रोजन अबंधित, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दूं, अध्रुवीय आण्विक ठोस अध्रुवीय अणु से मिलकर जो ठोस बनेगा उसको अध्रुवीय आण्विक ठोस कहेंगे, ध्रुवीय अणु से जो मिलकर ठोस बनेगा उसे ध्रुवीय आण्विक ठोस कहेंगे, और हाइड्रोजन अबंध बनाने वाले अणु से जो ठोस का निर्माण होगा उसे हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस कहेंगे। मैं अब इसको मिटाकर धात्विक ठोस पर आता हूं। अब आइए बात करते हैं धात्विक ठोस का। तीसरा हमारा ठोस है मेटेलिक सॉलिड। तो सबसे पहले इसके अगर अवयवी कण को देखा जाए, अवयवी कण, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अवयवी कण से ठोस का निर्माण होता है, और अवयवी कण क्या होते हैं? अणु, परमाणु और आयन। तो अब यहां पर अवयवी कण की अगर बात करें तो यहां पर अवयवी कण होता है धातु धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका डिफिनेशन की बात करें कि वे ठोस जिसका अवयवी कण धातु धनायन हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या आप परमाणु भी बोल सकते हैं कि जिसका मतलब अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है, उसे क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। या वे ठोस जिसके अवयवी कण धातु धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उस ठोस को क्या कहेंगे? धात्विक ठोस कहेंगे। धात्विक ठोस के लिए कुछ प्रकृति भी है, कुछ उसका विशेषता भी है, विशेषता को हम लोग देख लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें गतिशील होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गतिशील होगा इसमें, ठीक है, गतिशील होगा, अपने फिक्स स्थिति पर ये आपका वाइब्रेट करते रहता है, गतिशील होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसकी विशेषता की अगर बात करें, इसमें भी आकर्षण बल लगता है, तो धात्विक बल उसको बोलते हैं, धात्विक ठोस में उपस्थित होता है, इसमें भी आकर्षण बल लगता है। तो अगर मैं इसकी विशेषता से पहले जैसे लिख दूं आपको, तो इसका जैसे है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ठीक है, ये सब आपका इसका जैसे है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ये सब किस प्रकार का ठोस है, जैसे कॉपर की बात कर लिया जाए, एल्यूमिनियम की बात कर लिया जाए, टीन की बात कर लिया जाए और लोहा की बात कर लिया जाए, तो ये सब धात्विक ठोस के श्रेणी में आते हैं। धात्विक ठोस के श्रेणी में आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आप देख लें कि ये अघात बर्धे होते हैं, अघात बर्धे यता, अघात बर्ध यता इसमें पाया जाता है, ठीक है, प्लस तन्यता का भी गुण पाया जाता है इनमें। उसके बाद देखा जाए तो इसमें धात्विक चमक भी होता है, धात्विक चमक भी होता है, और ये देखा जाए तो विद्युत तथा ऊष्मा का ये सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं,
चलिए इतना सफिशियंट है। आप थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लें कि धातु ठोस किसे कहेंगे, वे ठोस जिसका अव्यवीकरण धातु धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, टिन, और इसमें अघात बर्धता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें धात्विक चमक भी होता है, यह विद्युत के सुचालक भी होते हैं। इस प्रकार के प्रॉपर्टीज वाले जो सॉलिड होते हैं, किस सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट टाइटल इसमें बचा हुआ है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद आज का वीडियो फिनिश हो जाएगा। आइए अब आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है हमारा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। थोड़ा सा लाइट का समस्या है, ठीक है, करंट का। आइए देखते हैं सहसंयोजक ठोस, इसका अवयवीकरणों की अगर बात करें, इसका अवयवीकरण क्या होंगे, तो इसका अवयवीकरण होते हैं परमाणु, ठीक है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वे ठोस, अच्छा इसका डिफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे ठोस जिसका अवयवीकरण परमाणु होते हैं और विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर एक विशाल अणु या ज्वाइंट अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे देखिए इसमें आकर्षण बल होता है, इसमें आकर्षण बल की अगर बात करें कि आकर्षण बल यहां पर होता है तो किसके कारण होता है, तो सहसंयोजक बंधन के कारण होता है, सहसंयोजक बंधन के कारण होता है। अच्छा अब डिफिनेशन करना है, डिफिनेशन अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे ठोस जिसका अवयवीकरण परमाणु होते हैं और विभिन्न प्रकार के परमाणु एक नेटवर्क द्वारा, अगर आप टावर वगैरह देखे होंगे, नेटवर्क देखे होंगे, तो उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय इसकी संरचना होती है। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो त्रिविमीय संरचना होता है, त्रिविमीय संरचना होता है, और त्रिविमीय संरचना के कारण एक ठोस का पहला कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है, दूसरा के भंगुर होता है। अच्छा भंगुर को मैंने बता दिया कि ये जो है इस पर आप अगर बल लगाते हैं तो ये टूटेगा नहीं, ये मतलब मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, ठीक है, भंगुर प्रकृति के होगा। और अगर इसकी गलनांक की बात करें, तो अधिक होगा, बहुत ही अत्यधिक होता है इसका गलनांक। तो देखिए अगर विशेषता की अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो त्रिविमीय संरचना होने के कारण, ये ठोस जो है अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, दूसरा कि ये भंगुर हो जाते हैं और इसका गलनांक जो है अत्यधिक हो जाता है, बहुत अधिक गलनांक होता है। अगर दूसरा विशेषता की अगर बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होते हैं, कुचालक मतलब दोनों अवस्थाओं में, अगर सॉलिड की बात करें या लिक्विड की बात करें, मतलब ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों अवस्थाओं में अगर विद्युत चालकता की इनकी बात करें तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन अभी अपवाद में मैं बताऊंगा कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, सबको पता है, लेकिन अभी बाद में अपवाद की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि विद्युत का एक कुचालक होता है दोनों अवस्थाओं में, ठोस एवं जलीय दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कि विद्युत का चालन नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यहां पर अनुपस्थिति हो जाती है, और अनुपस्थिति किसके कारण होता है? क्योंकि ये अत्यधिक कठोर होता है, और अत्यधिक कठोर इसलिए होता है क्योंकि यह ठोस त्रिविमीय संरचना में पाया जाता है, ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। तो अगर मैं इसका जैसे की बात करूं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हीरा होगा, अत्यधिक कठोर होता है, फिर ग्रेफाइट ये भी अत्यधिक कठोर होता है, और उसके बाद आप सिलिकॉन कार्बाइड, ये तीन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया गया है, इसको आप याद कर लेंगे कि ये हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड किस ठोस का उदाहरण है, तो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। तो अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा अपवाद की बात कर लेते हैं कि अपवाद के श्रेणी में क्या क्या आएगा। तो अपवाद में आता है सिर्फ ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, और सुचालक इसलिए होगा क्योंकि यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति आ जाती है इसमें। अच्छा उपस्थिति किसके कारण आती है, तो कार्बन के कारण आती है। ऐसे आप सीरियल से
पैटर्न वाइज याद करेंगे। अच्छा यहां पर कार्बन की उपस्थिति, मतलब कार्बन आप जानते हैं परमाणु संख्या 6 होता है 2-4, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो पिछले क्लास में ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे, तो वहां पर देखे होंगे कि इसका जो संरचना होता है ना वो परतदार होता है। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो परतदार होता है, उसमें से कार्बन जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग कर लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास बच जाता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करता है और इसको सुचालकता प्रदान करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद में है। तो आप ग्रेफाइट के लिए याद कर लेंगे, बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं ग्रेफाइट को छोड़कर वे दोनों अवस्थाओं में, जलीय और ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, कुचालक होते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हमने देखा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों में उपस्थित प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा, पहला आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। मैं ओवरव्यू एक मिनट में करा दे रहा हूं, जिसका अवयवीकरण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं, वहां वैद्युत संयोजक बंधन भी बनता है, उसका एग्जांपल आपने देखा, मैं एग्जांपल को बता दिया। आण्विक ठोस को हमने देखा जिसका अवयवीकरण अणु होता है, आण्विक ठोस में भी हमने देखा अध्रुवीय आण्विक ठोस, ध्रुवीय आण्विक ठोस और फिर हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस। फिर हमने देखा यहाँ पे धात्विक ठोस जिसका अवयवीकरण जो है धातु अनायन हो सकते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें धात्विक बंधन पाया जाता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं, जैसे हमने लोहा, कोबाल्ट, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि का एग्जांपल लिया। उसके बाद हमने देखा सहसंयोजक ठोस जिसमें अवयवीकरण परमाणु होते हैं और बहुत सारे परमाणु मिलकर एक ज्वाइंट अणु का निर्माण करते हैं, विशाल अणु का निर्माण करते हैं, वैसे ठोस को बोला जाता है सहसंयोजक ठोस। ये त्रिविमीय संरचना में पाया जाता है और त्रिविमीय संरचना में पाने के कारण एक कठोर होता है, भंगुर होता है, ठीक है, और इसका गलनांक जो है बहुत अधिक हो जाता है। और अगर बात करें इसकी चालकता की, सहसंयोजक ठोस की चालकता की अगर बात करें तो इसकी चालकता जो है दोनों अवस्थाओं में, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन अपवाद में ऐसा देखा गया ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है क्योंकि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति आ जाती है कार्बन के कारण। अब हम लोग 1.1 को समाप्त कर चुके हैं जैक न्यू सिलेबस के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे 1.2 यूनिट सेल जो पढ़ना है आपको, एकक कोष्टिका और जालक पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग एकक कोष्टिका और जालक के बारे में स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। 1.1 जो जैक न्यू सिलेबस 2021 के लिए जो दिया गया है इसके पैटर्न से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने ग्रुप में दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे, अगर वो कोचिंग करने से असमर्थ हैं तो घर बैठे ही ठोस अवस्था को, मतलब सभी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।